Hi guys, वेलकम एंड वेलकम बैक टू my चैनल दिस is वैश्वन यू चेतना एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपनी बेबी के लिए क्या शॉपिंग करी है मिंत्रा से सो so बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी बेबी के लिए बहुत सारी ब्रांड की शॉपिंग करी एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में लाइक मैंने एच एन एम एंड पैटलून्स मैक्स एंड गैप इन सारी ब्रांड्स के कपड़े जो है वो ताशो के लिए खरीदे हैं बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में लाइक किड्स की शॉपिंग हम जब भी करते हैं चाहे हम आजियो से करें चाहे हम मिंत्रा से करें हमेशा किट्स की शॉपिंग पे कुछ ना कुछ कूपन कोड जो है वो अप्लाई होते हैं so, वो कोड uh, मैंने अप्लाई करके ताशु के लिए शॉपिंग करी है एंड ट्रस्ट मी गाइज मुझे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल में ब्रांडेड क्लोथ्स uh, जो है वो ताशु के लिए मिल गए हैं सो so, इस सो uh, so, इस वीडियो में मैं आपको बेबी की शॉपिंग हॉल दिखाऊंगी आई होप आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा अगर आप लोगों के बेबी गर्ल है तो डेफ़िनेटली आप इन सारे प्रोडक्ट के लिए जा सकते हो बहुत ही गुड क्वालिटी इनकी आई है एंड प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है इन सारी ड्रेसेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसमें वन ईयर से लेके एट ईयर तक के बच्चों के साइज़ जो हैं वो अवेलेबल है तो डेफ़िनेटली आप परचेस कर सकते हो सो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज सो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जैसे कि बेबी गर्ल है तो पिंक कलर सबका फेवरेट होता है यहाँ पे मैंने डार्क पिंक कलर डार्क पिंक कलर की ये पैंटलून ब्रांड में से चिल आउट समथिंग लिखा हुआ है फ्रंट पे स्टार वर्क से वो मैंने टी शर्ट खरीदी है सो so बेसिकली इस टाइप के टी शर्ट जो है आप आउटिंग जा रहे हो या नॉर्मल घर में तो ऐसी मैं नहीं पहनाती हूँ उसको क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है तो मोस्ट ऑफ मैं उसको फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनाती हूँ so, सो इस टाइप की टी शर्ट जो है आप उसको डेनिम शॉर्ट्स के ऊपर या जीन्स के ऊपर स्टाइल कर सकते हो थोड़ी अच्छी लगती है सो so, ये आ, टी शर्ट है उसके लिए मैंने खरीदी है एंड इसका जो एम आर पी प्राइस है वो टू नाइन्टी नाइन रुपीज़ है बट मैंने इसको टू हंड्रेड फोर्टी नाइन रुपीज़ में खरीदा है विद कूपन डिस्काउंट सो मिंत्रा से खरीदी है मैंने ये टी शर्ट और बहुत ही अच्छा कलर है आपको 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 दो से तीन ऑप्शन आप देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो मैं एंड अगर इसके मटेरियल की की बात करें तो कॉटन है, है, है। है सो सो समर के लिए एकदम परफेक्ट so ये बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी पता है कि कितना अच्छा आता है so मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये ब्यूटीफुल्लोरल डिजाइन uh, की लाइक uh, पर्पल एंड पिंक कलर के फ्लोरल डिज़ाइन की ये क्यूट सी फ्रॉक है जिसको मैं पहनाने वाली हूँ घर में बेसिकली सो यहाँ पे कभी कभी ठंड हो जाती है तो मैं उसको नहीं पहनाऊंगी बट जब यहाँ पे समर होती है थोड़ी बहुत वेदर चेंज होता है तो मैं उसको ये व्ययर करवाऊँगी बहुत ही क्यूट फ्रॉक है लाइक मुझे इसका जो फ्लोरल डिज़ाइन है एंड इसका जो लुकिंग है बहुत ही प्रिटी लगा इसलिए मैंने इसको पिक किया एंड प्राइस जस्ट टू हंड्रेड मैंने पे किया इसका एमआरपी प्राइस लाइक फाइव समथिंग कुछ है एच ब्रांड से ये बट डिस्काउंट के अंदर मैंने उसको टू हंड्रेड सिक्सी नाइन रुपीजी में खरीदिया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा फैब्रिक ऑसम awesome. फैब्रिक इसका बहुत ही अच्छा है कहीं से भी गर्मी लगने वाली नहीं है एंड लुकिंग में आपका बेबी बहुत ही क्यूट लगने वाला है सो so, मुझे इसकी क्यूटनेस की वजह से ये फ्रॉक बहुत ही अच्छी लगी एंड उसको जब मैंने उसको वियर करवाया तो वो भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी एंड uh, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली फ्रॉक मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ अगर आपकी बेबी गर्ल है तो डेफिनेटली आप उसको घर में पहनाने के लिए फ्रॉक खरीद सकते हो फैब्रिक बहुत ही अच्छा है इसका नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो ब्यूटीफुल सी टी शर्ट है अगेन लाइट पिंक कलर की टी शर्ट है मेरे को पिंक कलर उसके लिए पता नहीं क्यों ज्यादा पसंद आ गया इस बार इसलिए मैंने पिंक कलर की खरीद ली है सो ये बहुत ही क्यूट डिजाइन की एडम मामा करके ये टी शर्ट है वैसे मैं आपको सारी ब्रांड जो है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी एंड साइज जो है वो आप अपने बेबी के हिसाब से खरीद सकते हो सो तो ये थोड़ी शॉर्ट स्लीव्स की टी शर्ट है एंड बहुत ही प्रिंटेड टाइप का गार्डन थिंग्स समथिंग इस पर लिखा हुआ है सो so, इस टाइप की टी शर्ट भी डेफिनेटली आप उसको जीन्स पे या शॉर्ट्स पे या डेनिम स्कर्ट पे स्टाइल करवा सकते हो बहुत ही क्यूट लगती है जब आप बाहर जा रहे हो तो इस टाइप की जो कॉटन टी शर्ट होती है बेबी के लिए बहुत ही परफेक्ट होती है समर के लिए स्पेशली सो so, उनको कंफर्टेबल होता है सो so, इस टाइप की टी शर्ट आप खरीद सकते हो इसमें भी बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं अप टू एट ईयर तक सो so, मुझे इसकी लुकिंग बहुत ही ज्यादा पिटी लगी पहनाने के बाद में जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ब्यूटीफुल सी रेड कलर की अगेन ये फ्लोरल डिजाइन की फ्रॉक है फ्रॉम द मैक्स ब्रांड सो कि बहुत बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल लाइक फ्रंट में आपको बटन मिलते हैं सो बटन ओपन हो जाते हैं एंड इसका प्राइस जो मैंने थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी रुपीज समथिंग कुछ पे किया बट ट्रस्ट मी गाइज इसका जो मटेरियल है वो प्योर कॉटन है लाइक like बहुत ही हॉजरी वाला जो कॉटन आता है ना अच्छा वाला कॉटन उस टाइप का इसका मटीरियल एंड लुकिंग बहुत ही ज्यादा प्रिटी लाइक फ्लोरल डिजाइन की है एंड मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसमें भी आपको अप टू सेवन टू एट ईयर तक साइजेस मिल जाएंगे आई थिंक सेवन ईयर तक है सो so, आप खरीद सकते हो मुझे इसकी लुकिंग बहुत ही अच्छी लगी ये थोड़ी सी जो घेर होता है ना व्हाइट घेर उस टाइप से ये फ्रॉक है सो so, वियर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगेगी मैंने उसको पहना के देखा कि उसका साइज़ परफेक्ट आया है कि नहीं आया सो बहुत ही प्रिटी लगी है एंड प्राइस अगेन सो अफोर्डेबल सो इस टाइप की ड्रेसेज आप अगर उसको शाम को टाइम पर घुमाने लेके जाते हो या फिर आप घर में भी पहना सकते हो या किसी से आप मिलने जा रहे हो अपने रिश्तेदार से तब आप उसको इस टाइप की फ्रॉक पहनाओगे तो ट्रस्ट ट्रस्म बहुत ही अच्छी लगेगी नहीं तो घर के लिए बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है इन द समर सो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी है यहाँ पे आपको दिखाने जा रही हूँ मैंने कुछ टी शर्ट का कॉम्बो पैक खरीदा है सो so, ये है मैंने तीन टी शर्ट खरीदी है स्ट्रेप uh, टी शर्ट मतलब तीन का कॉम्बो है ये इस कॉम्बो में मुझे मिली है स्ट्रिप्स टी शर्ट एंड कुछ ये प्रिंटेड टाइप की टी शर्ट एंड एक मिली है मुझे प्लेन टी शर्ट जिसपे थोड़ा सा प्रिंट है मेक अ विश ऐसे लिखा हुआ है सो so, ये तीन टी शर्ट का कॉम्बो जो है ना मुझे मिला है एंड आई गेस प्राइज मैंने थ्री फिफ्टी रुपीज़ और फोर फिफ्टी रुपीज़ समथिंग कुछ पे किया है मैं अपने अकाउंट से चेक करके आपको स्क्रीन पे मैंशन कर दूँगी ब्रांड भी स्क्रीन पे ब्रांड भी आपको स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी सो so, ये तीन टी शर्ट को कॉम्बल ही है मैंने जैसा कि आपको बताया यहाँ पे कभी कभी वैदर चेंज होता है समर समथिंग लाइक वैर होता है तो मैं उसको स्टाइल कर दूँगी नहीं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस टी शर्ट को घर में स्टाइल करो आप उसको बाहर लेके जा रहे हो लाइक like, मैं पार्टी वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ नॉर्मल आप उसको कहीं शाम पे के टाइम पर घुमाने लेके जाते हो तो आप इनको डेफिनेटली डेनिम शॉर्ट्स के ऊपर या कॉटन शॉर्ट्स के ऊपर आप स्टाइल करोगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे घर के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है बाहर के लिए थोड़ा परफेक्ट ऑप्शन है पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ मैं नॉर्मल बाहर आप जैसे कैजुअली लेने जा लेके जाते हो ना बच्चों को तो उस टाइप से स्टाइल करवा सकते हो बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड डेफिनेटली इसमें से आप जो है ना ये स्ट्रिप टी शर्ट बॉय के लिए भी ट्राई कर सकते हो या फिर आपके पास डंगरी हो तो आप स्टाइल करवा सकते हो अपनी बेबी गर्ल को या बॉय को ये कॉमन टी शर्ट है ऐसा नहीं है गर्ल ही पहन सकती है

प्राइस है आई गेस टू नाइनटी नाइन रुपीज़ और टू फिफ्टी रुपीज़ समथिंग कुछ मैंने पे किया विथ कूपन कोड डिस्काउंट एंड ऑल सो बैक साइड में आपको ये टू पॉकेट्स मिलती है फ्रंट में आपको साइड पॉकेट्स मिलती है एंड जिप मिलता है यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको बटन जो मिलता है ये आप इस टाइप से क्लोज कर सकते हो एंड यू नो अंदर की साइड में आपको इस टाइप से बटन मिलता है अगर आपका बेबी थोड़ा सा लूज फिटिंग है उसको तो आप एक बटन आके खिसका सकते हो इस टाइप से तो इसमें आपको अंदर से फिटिंग करने का ऑप्शन भी मिलता है एंड अगर मटेरियल की मैं बात करूँ तो प्योर कॉटन जो होता है ना वो है इसका मटेरियल सो तो ये परफेक्ट ऑप्शन है समर के अकॉर्डिंग अगर आप उसको बाहर लेके जाते हो डेफिनेटली आप इसको वैकेशन पर स्टाइल करवा सकते हो पार्टी के लिए आप इस पर थोड़ा सा प्लेन टी शर्ट एंड नीचे शॉर्ट्स पहना दोगे तो इसकी लुकिंग बहुत ही अच्छी आएगी सो ये वाला शॉर्ट्स भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्रिंट के अकॉर्डिंग प्रिंटेड शॉर्ट्स का जो है अभी बहुत ही ज़्यादा फैशन है गर्ल्स वुमेन सब में तो आप डेफिनेटली इस टाइप का शॉर्ट्स आप ट्राई कर सकते हो अपनी बेबी गर्ल के लिए इसमें भी बहुत सारे साइजेज अवेलेबल हैं यहाँ पे आपको दिखाने चाह रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा नेवी ब्लू कलर का वुलन जिसपे हार्ट शेप बना हुआ है ये मैंने खरीदी है फ्रॉम द गैप ब्रांड एंड नो गाइज इसका प्राइस जो है वो सेवन नाइनटी नाइन रुपीज़ था बट मैंने गैप पे एक्स्ट्रा कूपन कोड लग रहा था डेफ़िनेटली आप अगर गैप का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको फोर एटी रुपीज़ का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रहा था सो so, इस सेवन नाइन्टी नाइन रुपीज़ की टी शर्ट को मैंने जस्ट थ्री हंड्रेड नाइन्टीन रुपीज़ में ख़रीद लिया जो कि बहुत ही अच्छी ज़्यादा डील रही है ये टी शर्ट बोल सकते हो ये वैसे स्वेटर है सो so, uh, मैं इसको स्टाइल करवाऊंगी जब भी यहाँ पे थोड़ी बहुत सर्दी हो जाती है लाइक like, जैसा कि मैंने बताया ना बहुत बारिश होने की वजह से तो मैं इसको स्टाइल करवाऊंगी विद जींस के साथ में बहुत ही क्यूट लगेगा क्योंकि मुझे इसका जो हार्ट शेप है इसकी जो लुकिंग थी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी इसलिए मैंने इस वोलैन को पिक किया सो so, डेफिनेटली मैं इसको स्टाइल करके दिखाऊंगी एंड मैं ये भी आपको हाईली रिकेमेंड करती हूँ अगर आप जैसे कि एच एन एम एंड गैप के कभी भी कपड़े खरीदते हो बच्चों के लिए तो मोस्ट ऑफ वहाँ पे कूपनस होते हैं तो आप कूपन यूज़ कर सकते हो तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे क्लोथिंग आइटम मिल जाएंगे अपने बेबी गर्ल के लिए सो so ये वाला वुलन भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ अगर आपका बेबी है आप ऐसी जगह पर रहते हो नहीं भी रहते हो तो आप सर्दी के लिए डेफिनेटली ये वाला टॉप या स्वेटर जो है अपनी बेबी के लिए खरीद सकते हो बहुत ही अच्छा मटेरियल आया बहुत सॉफ्ट वाला जो वलन होता है ना उस टाइप का मटेरियल एंड हार्ड शेप बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है मुझे बहुत ही अच्छा लगा जींस हैं वो एच की जीन्स हैं जो मैंने ऑर्डर करी है अपनी बेबी गर्ल के लिए ये सारे कपड़े मुझे अभी डिलीवर हो गए थे एंड एक जीन्स जो है मुझे बहुत ज़्यादा डिले हो रही है डिलीवर होने में सो so, वो जब भी मुझे डिलीवर होएगी मैं आपको आ... वॉइस ओवर देख के आपको लगा दूंगी कि उसकी फिटिंग एंड उसका जो मटेरियल है वो कैसा आया है एंड प्राइस जो है आई गेस मैंने उसका फाइव फिफ्टी रुपीज़ समथिंग कुछ पे किया वो एट हंड्रेड की जीन्स है बट विथ कोपन कोड मैंने उसको फाइव फिफ्टी रुपीज़ में ख़रीदा है एच एन एम ब्रांड की है सो so, मैं आपको वॉइस ओवर देख के वीडियो में लगवा दूँ वीडियो में लगा दूंगी तो आप चेक कर लीजिएगा सो so, सो गाइज ये जैगिंग मुझे अभी मिल चुकी है एंड ये फुल्ली स्टेचबल क्लोथ है फुल्ली स्ट्रेचबल क्लोथ है और इसमें इलास्टिक मिलता है बट इसकी जो लेंथ है जीन्स की वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है लाइक आपको हाफ एंड तक आपको ऑल्टर करवानी पड़ेगी अपने बेबी के लिए बिकॉज ये जो आती है ना जीन्स वो पाँच से छः साल के बच्चों की लंबाई जितनी बड़ी होती है और फुल्ली स्ट्रेचेबल है मतलब आराम से आपकी बेबी को आ जाएगी चाहे वो हेल्दी हो या स्लिम हो तो सो इसका मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है ये एक बेबी गर्ल की शॉपिंग का हॉल है सो so, ये मैंने एक अफोर्डेबल रेंज में अपनी बेबी गर्ल के लिए शॉपिंग करी है आई होप अगर आप लोगों के लिए बेबी गर्ल होगी तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है अगर नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं है आप अपनी फ्रेंड्स में या अपनी फैमिली में जिसको भी बेबी गर्ल हो तो आप इस वीडियो का लिंक जो है उनके साथ शेयर कर सकते हो एंड गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो मेल कर सकते हो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो उसके लिए आपका उसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम फैशन में चेतना फॉलो करना पड़ेगा और गाइस अगर वीडियो पसंद आता है तो जैसे आपको पता है कि वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू गाइज बाय बाय